हाय, सो आज हम बनाने वाले हैं बिहारी स्टाइल आलू भुजिया जो कि गीली बनती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन लिया है मैंने। यहाँ पर पैन लेने के बाद गैस ऑन कर लेना है, पैन गर्म हो जाए उसमें ऑयल ऐड करना है। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं या जिस बर्तन में आप सब्ज़ी बनाते हैं उस बर्तन को यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं ऑयल के और फिर उसमें ज़ीरा ऐड किया है। जब ज़ीरा हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद में आलू कट किए हुए इसमें ऐड करना है। तो इस शेप का मैंने आलू कट किया है। आप चाहे तो अपना मनपसंद शेप दे सकते हैं भुजिया को। कटिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी नहीं कट करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। और इसके बाद में इसमें मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी और साथ में हींग दिया है ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए। और हींग जो है कि खाने को आपके हेल्दी बनाता है, तो हींग सारे खाने में यूज़ करें। और ये सूखे मसाले हैं तो इसको जब भी भुनेंगे आप तो थोड़ा सा झांस लगता है, मतलब खांसी वासी हो सकती है आपको, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट हाँ, इसका टेस्ट आप इसको जितना अच्छे से भुनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से ये भुन गया है, मतलब देख सकते हैं एक एक आलू के स्लाइस में मसाले मिल गए हैं एंड तेल भी छोड़ रहे हैं। और जैसे मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ पानी। आपको देख लेना है कितना ऐड करना है और उसके बाद में इसको मिला लेना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप ऐड करेंगे तो भुजिया का भरता बन जाएगा। तो हल्का पानी ऐड करें और उसके बाद में टमाटर, मिर्च, आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर टमाटर और मिर्च ऐड कर रही हूँ कट करके। उसके बाद में इसको मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए, या आपके यहाँ का आलू जितना टाइम में गल रहा है उतने देर के लिए इसको ढककर छोड़ दें। उसके बाद में इसको खोल कर देखें कि ये गला है कि नहीं। सो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं और हल्का सा इसमें पानी है, तो उसको रहने दें। सो ये आलू भुजिया बिहारी स्टाइल में गीली वाली आलू भुजिया रेडी है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू।